इंशाल्लाह हम आयो एडी थर्ड सेमेस्टर में हम क्लासरूम मैनेजमेंट की क्लास लेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्लासरूम मैनेजमेंट में इंशाल्लाह हम वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासरूम को मैनेज करने, क्लासरूम के नज़्म व ज़ब्त और क्लासरूम की तरतीब में हमारे काम आएंगे इंशाल्लाह। तो एक बेहतर क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो टीचर किस तरह करेगा, किस तरह टीचर एक क्लासरूम को मैनेज करके बेहतर तौर पर अपने बच्चों को पढ़ाएगा या अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से वो बेहतर तौर पर पढ़ा सकता है एक बेहतरीन क्लासरूम को मैनेज करके। तो पहले हम डिफिनेशन करते हैं, तारीफ करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट किस कहते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट? जिस तरह हमें पता है लफ्जी मानी है इसके, क्लासरूम का नज़्म नस्ब चलाना, क्लासरूम का इंतज़ाम चलाना या क्लासरूम को तरतीब देना, इसके लफ्जी मानी यही है। इससे हमें पता चलता है क्लासरूम के तरतीब देने से हमें पता चलता है कि किस तरह क्लासरूम को तरतीब दिया जाना है या किस तरीके से हम क्लासरूम को तरतीब दे सकते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ यह है कि टीचर क्लासरूम को ऐसे तरीके से तरतीब देगा, ऐसे तरीके से वो क्लासरूम को अरेंज करेगा। ये क्लासरूम मैनेजमेंट की जगह हम क्लासरूम अरेंजमेंट कह सकते हैं कि किस तरीके से हम क्लासरूम को अरेंज करते हैं जिससे बेहतर से बेहतरीन तरीके पे बच्चे सीखे, बच्चे सीखने के काबिल हो जाए और बच्चे अपने मकसद पाने में कामयाब हो जाए। एक क्लास का मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे जो है वो क्लास से कुछ सीखे, बच्चे क्लास का जो मेन पॉइंट है, मकसद है, रीज़न है, जिस रीज़न के लिए, जिस पॉइंट के लिए, जिस मकसद के लिए क्लास को तरतीब दिया गया है बच्चे वो हासिल करें। अगर बच्चे क्लासरूम से जो नहीं सीख पाते या वो कुछ हासिल नहीं करते जो स्टूडेंट को टीचर पढ़ाना चाहता है या टीचर जो है वो स्टूडेंट के लिए जो सरगर्मी है या कोई दीगर कोई ऐसी पढ़ाई वाली मटेरियल है जो ला रहा है, अगर वो बच्चे मुकम्मल तौर पे और बेहतरीन तौर पे ना सीखे तो इससे ये पता चलता है कि क्लासरूम को सही तरीके से तरतीब नहीं दिया गया है। तो मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने इसकी तारीफें की हुई है, जिस तरह वेस्टर्न एंड वेस्टर्न कहते हैं कि ये तमाम वो एक्शन है, वो आमाल है जो कि एक टीचर एक क्लासरूम में लेता है, क्लासरूम में वो तब्दीलियां करके, क्लासरूम में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां करके जिससे एक बच्चा एक स्टूडेंट बेहतर से बेहतरीन तरीके पर सीख सके या क्लासरूम में बच्चे की बेहतरी के लिए की जाने वाली तमाम तब्दीलियों को, तमाम इंतजाम को, तमाम अरेंजमेंट्स को क्लासरूम मैनेजमेंट या क्लासरूम अरेंजमेंट कहते हैं। जिस तरह एक है क्लासरूम मैनेजमेंट जो है एक तरीक़ाकार है, इट इज़ अ प्रोसीजर। एक तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है जिसमें टीचर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ टीचर सिट्स अप द क्लासरूम इन अवे in a way that the students learn more effectively। जो कुछ मैंने आप लोगों को खुद में बताया वही कुछ नई स्टेटमेंट मिली है that more effective, जो कि बच्चे के मौसर तौर पर मौसर तरीके से बच्चे अगर सीख रहे हैं, सीख चुके हैं तो
इससे पता चलता है कि क्लासरूम को सही तरीके से तरतीब दिया गया है, क्लासरूम को सही तरीके से मैनेज किया हुआ है। अगर क्लासरूम सही तरीके से मैनेज ना हो तो न सिर्फ वो बच्चे डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे, बल्कि इसके अलावा जो है टीचिंग का जो मकसद है, सिखाने का जो मकसद है, सिखाने का जो प्रोसेस है वो भी ख़राब होगा और सिखाने का जो मकसद है वो भी हासिल नहीं होगा, या बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ वो ख़राब कर रहे होंगे और वो कुछ नहीं सीख सकते इस तरीके से। अब क्लासरूम मैनेजमेंट में इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ है जो कि एक टीचर को आनी चाहिए, या क्लासरूम को अगर कोई टीचर मैनेज नहीं कर सकता तो वो कभी भी बच्चों को नहीं सिखा सकता। लिहाजा ये एक बहुत मुतासर करने वाली या मुसर कौन चीज़ है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट अहमियत क्या है इसकी? अब क्लासरूम मैनेजमेंट की अहमियत क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर क्लास में डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी हो रही है, बच्चे जो है वो शोर कर रहे हैं, बच्चे बोर्ड की तरफ क्लास की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लाजमी बात है कि कभी भी बच्चे जो है वो कुछ नहीं सीख सकते, और लाजमी बात है कि टीचर जो है वो कभी नहीं पढ़ा सकता। अगर सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से क्लास को तरतीब दी गई है, क्लास तरतीब से है, तो एक तो बच्चे सही तरीके से सीख सकते हैं, दूसरी बात यह कि टीचर के लिए भी आसानी होती है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अपने टाइम के अंदर, अपना जो क्लास टाइम है, क्लास का वक्त है, उसके अंदर वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है हम निसाबी सरगर्मियाँ वो भी कर सकता है, इसके अलावा जो हाजिरी है दीगर ऐसी एक्टिविटी है वो कर सकता है। लिहाजा अगर क्लासरूम को सही तरीके से तरतीब दे दिया जाए तो बेहतर तरीके से न सिर्फ पढ़ाने का अमल जारी रह सकता है, बल्कि इसके अलावा जो हमने सारी सरगर्मियाँ हैं वो भी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें है, यकसा मामूल कंसिस्टेंट रूटीन। इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हैं कंसिस्टेंट रूटीन है, इसे कहते हैं यकसा मामूल। एक है प्रोसीजर, एक है रूटीन। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर एक तरीकाकार है जो कि एक वक्ती अमल है, और एक है रूटीन जो कि मामूल है। एक टीचर है वो क्लास में आता है और वो कोई नई सरगर्मी है, कोई नया टास्क है वो बच्चों को दे देता है, उससे बच्चे मुकम्मल तौर पर नावाकिफ होते हैं, लिहाजा बच्चे जो है वो टास्क करने में ज़्यादा वक्त लेते हैं, या उसकी तैयारी के लिए वो वक्त लेते हैं, मुकम्मल तौर पर मेंटली वो तैयार नहीं होते। नई चीज़ है तो एक प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है किस तरीके से उस्ताद वो नया टास्क देता है। अब रूटीन है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये मामूल है, रोज़मर्रा की चीज़ है। रोज़मर्रा की चीज़ मसलन एक टीचर है वो रोज़ आता है और रोज़ जो पिछला किया हुआ काम है, पिछली पढ़ाई हो चुकी है, उसके मुतालिक सवाल पूछता है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली इस बात के लिए वो तैयार हो जाते हैं कि हमारा जो टीचर है वो आएगा, सवाल पूछेगा, तो वो रोज़मर्रा का काम उनका हो जाता है। काम रोज़मर्रा का हो जाता है तो बच्चे टीचर के आने से पहले वो अपनी तैयारी कर लेते हैं, वो टास्क जो टेस्ट की सूरत में है, वो टास्क जो ओरली सूरत में है, ज़ुबानी तौर पर है, उसके लिए पहले से वो प्रॉपर तैयार हो चुके होते हैं। तो जब वो एक क्लास को पहले से मैनेज किया गया हो, पहले से सही तरीके से अरेंज किया गया हो, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें जो मामूल है, रोज़ का काम है, वो यकसा होता है। हर रोज़ टीचर सरगर्मी देता है, बच्चों को टेस्ट देता है, बच्चों से ज़ुबानी सवाल करता है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट, आप लोग वैसे लफ्ज़ को जान चुके होंगे कि मैनेजमेंट जो है, जिस तरह हम कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट, एक प्रिंसिपल का काम होता है,
लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर का काम होता है। अगर इसको सही तरीके से तरतीब दे दे तो उसका खुद भी एक रूटीन बन जाता है, मामूल बन जाता है, बल्कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनका भी एक रूटीन बन जाता है, वो भी समझ जाते हैं कि जो हमारा टीचर है उनका ये रूटीन है, उनका मामूल है, और वो लाजमी तौर पर हमसे सवाल पूछेगा, हमसे टेस्ट लेगा या कोई और सरगर्मी देगा। तो सबसे पहले हमें जो है सबसे पहली इम्पोर्टेंस जो है क्लासरूम मैनेजमेंट की वो है कंसिस्टेंस और रूटीन है। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। जो हम क्लासरूम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी खूबी या अहमियत हम कह सकते हैं इसको, दूसरे नंबर पे है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। वक्त का मौसर इंतजाम, वक्त का मौसर इंतजाम। सबसे पहले तो ये बात तय है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर क्लासरूम को पहले दिन से मैनेज किया गया हो, क्लासरूम एक्टिविटी पहले दिन से इस तरह रखी गई हो कि वो क्लासरूम एक्टिविटी बच्चों का रूटीन बन गया हो, बच्चों का मामूल बन गया हो, तो लाजमी बात है ये जब टीचर क्लासरूम में आता है तो बच्चों को चुप कराने में, बच्चों को अटेंटिव कराने में, अपनी तरफ मुतवज्जे कराने में लेक्चर के लिए, उसके लिए वो वक्त नहीं लेगा। और लाजमी बात ये हो जाती है जब वो वक्त नहीं लेगा, उसके पास जो है वो 35 मिनट है, 40 मिनट है, तो वो एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है इसके लिए, या कम अज़ कम वो इस तरह इस काबिल बन जाता है कि वो अपने निसाब के लिए वो वक्त बचाता है। क्योंकि 5-10 मिनट बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो कि क्लासरूम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो उनका बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बच्चों को डिसिप्लिन कराने में, बच्चों को तरतीब देने में, या बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जे कराने में उनका बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो अगर ये तमाम वक्त बच जाए तो वो उस वक्त को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है हम निसाबी सरगर्मियाँ या कम अज़ कम जो निसाब के मुताबिक चीज़ें हैं, जो निसाब है उनका, वो अपने वक्त के मुताबिक वो ख़त्म कर सकता है और वो उस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा है, इसकी सबसे बड़ी अहमियत जो है वो टाइम मैनेजमेंट भी है, वो वक्त को सही तरीके से और मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसका इंतज़ाम कर सकता है। अगर क्लासरूम को सही तरीके से तरतीब दिया गया हो, उसका इंतज़ाम नज़्म नस्क सही तरीके से चलाया गया हो। तीसरे नंबर पे फिर आ जाता है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। मस्बत माहौल, लाजमी बात है अगर क्लासरूम को सही तरीके से मैनेज किया गया हो, क्लासरूम इब्तदा ही से अगर सेशन शुरू ही से क्लासरूम को एक टीचर ने मैनेज किया हो, क्लासरूम मैनेजमेंट में जो चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो चीज़ें वो लाजमी हैं, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह क्लासरूम को मैनेज किया जाता है। लेकिन अभी हम अहमियत के बारे में, इस तरह जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, मस्बत माहौल है, वो ये है कि अगर क्लासरूम सही तरीके से तरतीब दिया गया हो तो लाजमी बात है वक्त का ज़िया नहीं होगा, वक्त ज़ाया नहीं होगा, एक रूटीन बन जाएगा स्टूडेंट्स का, बच्चों का रूटीन बन जाए, बच्चों का मामूल बन जाए ये चीज़ कि उस्ताद जो है वो आएगा, हमसे टेस्ट लेगा या हमको ऐसी सरगर्मी वो देगा, लिहाजा वो उनके लिए तैयारी करते हैं रादर देन वो अपने आप को किसी गैर निसाबी सरगर्मी या गपशप या शोर वगैरह में वो मसरूफ़ करें, उसकी बजाय वो सरगर्मी के लिए तैयारी में खुद को मसरूफ़ कर लेते हैं, वो तैयारी कर लेते हैं। तो इससे एक मस्बत माहौल पैदा हो जाता है, मस्बत माहौल वजूद में आ जाता है कि इस
तरह बच्चे तैयारी कर रहे हैं टेस्ट के लिए, कापियाँ कलम वगैरह उठा के तैयारी कर रहे हैं। दीगर जिन बच्चों ने भी तैयारी नहीं की हुई होती, अब ये बच्चे जो हैं वो रिवाइज कर रहे होते हैं अपनी किताबें कापियाँ वगैरह उठा के वो पढ़ रहे होते हैं, उसके लिए उस टास्क के लिए वो अभी प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो ये तमाम वक्त जो है वो प्रिपरेशन जो है वो तैयारी जो है वो कलम पेंसिल उठा के टेस्ट के लिए तैयार हो जाना या कोई और सरगर्मी के लिए तैयार हो जाना, ये एक मस्बत अमल हो जाता है अगर क्लासरूम को सही तरीके से क्लासरूम को मैनेज किया गया हो, क्लासरूम को सही तरीके से तरतीब दिया गया हो। इसके बाद है हाई टेस्ट स्कोर। इसके साथ एक और बात भी है कि क्लासरूम को ऐसे तरीके से तरतीब दिया जाए कि बच्चे जो हैं मस्बत माहौल की तरफ उसकी रहनुमाई की जाए। अब मस्बत माहौल की तरफ रहनुमाई क्या है? बच्चे समझते हैं कि जो हमारा टीचर है वो हमें टास्क दे चुका है, अगर वो आएगा हमसे टेस्ट लेगा हम गलत करेंगे, हमें टेस्ट नहीं आएगा तो हम तो सजा होगी, ये नहीं। बल्कि बच्चे जो है वो इसमें आखिर में इंशाल्लाह आ रहा है, आखिरी वैसा तो होना पहले चाहिए था लेकिन आखिरी में है कि मोटिवेशन, बच्चे मोटिवेशन के ज़रिए मुतहरक के ज़रिए तरगीब के ज़रिए वो सीख लेते हैं कि हमें सज़ा नहीं होगी बल्कि वो एक दूसरे के साथ मुकाबले में हो जाते हैं। तो मुकाबले का जो रुझान है वो असल में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या मस्बत माहौल का वो एक असर देता है और उसकी वजह बन जाती है। और दूसरी बात ये कि जो टीचर अपने या ट्यूटर अपने स्टूडेंट्स को गलती करने पे, टेस्ट गलत करने पे, कोई और सरगर्मी सही नहीं करने पे वो सजा देता है तो लाजमी बात है इससे मनफी माहौल बन जाता है, या लाजमी बात है कि अगर क्लासरूम को तरतीब नहीं दिया गया हो और बच्चे जो है वो डिस्टर्बेंस करें तो इससे भी क्लासरूम में एक मनफी माहौल जो है वो असर लेता है, मनफी माहौल बन जाता है। क्लासरूम में सजा देना, बच्चों को पनिश करना, ये भी एक मनफी माहौल की निशानी है। इसके बाद है हाई टेस्ट स्कोर। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया हाई टेस्ट स्कोर, आला नंबर टेस्ट में आला नंबर। अब वो लाजमी बात है कि अगर माहौल क्लास का माहौल जो है वो मस्बत है तो और मन की कोई एक्टिविटी कोई सरगर्मी नहीं है, जिस तरह बच्चों को पनिश करना, बच्चों को गालम गलोच करना या दूसरी ऐसी कोई सरगर्मी नहीं है तो और बच्चों को मोटिवेट किया गया हो, बच्चों को मोटिवेशन देना, बच्चों को मोटिवेट करना भी लाजमी है। अगर मोटिवेशन भी किस चीज़ के बारे में, फेल के बारे में नहीं कि अगर फेल होंगे तो ये सज़ा होगी, कोई फेल होगा तो ये सज़ा होगी, ये लफ्ज़ वैसे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट अपने साथ ले आता है कि अगर फेल हो गए तो ये सज़ा होगी, बच्चे ऑटोमेटिकली बच्चे न चाहते हुए भी वो बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर बच्चों को वो बात फेल हो जाना, अगर वो बात बिल्कुल दरमियान से निकाल दी जाए, अगर वो बच्चों को कहा जाए कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट आएगा, कोई बच्चा 90-80 या उनके लिए कोई टास्क रखा जाए उससे ज़्यादा वो नंबर लेगा, ज़्यादा नंबर आप लेगा तो फिर उनको इनाम दिया जाएगा, वो इनाम मामूली प्रेज वगैरह जो भी हो मामूली इनाम भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरक बन जाता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट बन जाता है। तो अगर बच्चों को इस तरह मोटिव किया जाए, बच्चों को अप्रिशिएशन भी उनके लिए काफ़ी है, तो तारीफी जुमले भी बच्चों के लिए काफ़ी होते हैं। अगर बच्चे के लिए इस तरह मस्बत रवैया टीचर की तरफ से आ जाए इनाम के तौर पे, 2-3-4 तारीफी जुमलों के तौर पे, तो इससे बच्चे का ये हो जाता है कि बच्चा आला टेस्ट में आला नंबर ले जाता है। और बच्चे को ये भी कहा जाए कि अगर कोई फर्स्ट आ गया तो ये होगा, फेल हो गया कोई मसला नहीं है, कोई उनको सजा नहीं होगी, लेकिन अगर कोई फर्स्ट आ गया वही बात हो जाती है, फेल होना कोई सजा नहीं, अगर फर्स्ट आ गया तो फिर उसके लिए ये इनाम है, कम से कम वो जो है वो उसका नाम लिखा जाएगा या वो जो है वो जीत जाएगा, सिर्फ जीत का लफ्ज़ जो है वो भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा मुतहरक बन जाता है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से
एक तो रूटीन बन जाना, फिर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना, मस्त माहौल देना, इन तमाम चीज़ों से जो है बच्चा वो टेस्ट में आला नंबर ले जाता है। और यही जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, ये वो फैक्टर है, वो चीज़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन बन जाता है। अगर क्लासरूम को सही तरीके से मैनेज ही नहीं किया गया हो तो फिर ये तमाम सब कुछ हाई स्कोर लेना ये नामुमकिन बन जाता है। अब दूसरी बात इसमें ये भी है कि फर्ज करें हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों का इम्तिहान ले रहे हैं, और बच्चों की हम सिर्फ गलतियाँ निकाल रहे हैं। सिर्फ गलतियाँ निकालना जो है ये भी बच्चे के जहन पे, उनके बिहेवियर पे बहुत असर इसका पड़ता है। अगर बच्चों की गलतियाँ निकालने की बजाय हम बच्चों की रहनुमाई करें कि अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो बेहतरीन होता, बहुत खूबसूरत होता, बहुत अच्छा होता, दो तीन प्रेजिंग वर्ड जो है तारीफी जुमले हम उनके साथ लगा देते हैं, तो ये बच्चे के जहन पे इन चीज़ों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चे की मन भी हम उनको मुतहर रखते हैं, हम मन भी उनकी मन उनके लिए मन की जुमले इस्तेमाल करें बजाय इसके अगर हम मन भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसका काम इंतहाई ख़राब भी हो सकता है, काम इंतहाई ख़राब भी हो, फिर भी हम उनको बदले नहीं करेंगे, हम उनको ऐसा नहीं करेंगे कि वो आइंदा के लिए बिल्कुल कोशिश ही ना करें। काम ख़राब भी हो हम उनकी प्रेस करेंगे, या कम से कम इतना कह सकते हैं कि अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो तो ज़बरदस्त होगा। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो पॉजिटिव तब्दीली ज़रूर लाता है, और वो टेस्ट में कम से कम अपनी बेहतरी और अपनी पॉजिटिविटी ज़रूर दिखाता है। दूसरी बात ये कि इससे बच्चे के एतमाद में इजाफा भी हो जाता है। बच्चे के एतमाद में इजाफा करना ये गुड टीचर या बेस्ट टीचर की निशानी होती है कि बच्चे को ये बताए कि तुम जो कर रहे हो ना, अगर इस तरह करो तो बेहतर होगा, या तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो लेकिन तुम करते नहीं हो, तुम कर सकते हो, तुम यू कैन डू, यू कैन डू, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है टीचर की तरफ से स्टूडेंट के लिए, अगर वो इस तरह तासुर दे और बच्चे को कुछ करने के लिए उकसाए।